grow younger is not about looking young, it's about feeling young. आप अपनी thinking बदलो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा. I want to see fit India, fit mothers, fit fathers. Once आपको ये समझ आ गया तो you can win any battle. जो भी आए उनको जाना है, लेकिन I want them to go with the style. खुल के जियो जिंदगी, जो होना देखा जाएगा. खुशियां बांटो, सबके चेहरे पे स्माइल जरूर आए, फिर वो चाहे यंग हो या बुढ़ा हो, बट आप जीते जी मरो मत, खुशी से जाओ, यू नो, लिव टू द फुलेस्ट. नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जनरली आपने देखा होगा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, उन्हें किताबों को पढ़ने का बहुत शौक होता है. किताबों को पढ़ने के जैसे वो दीवाने होते हैं. आज के इस एपिसोड से आपको एक किताब के बारे में पता चलेगा, उस किताब के ऑथर और उस ऑथर की सोच के बारे में पता चलेगा. आज जिस ऑथर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, इनका नाम मिसिस माला मनसुखानी है और इन्होंने ग्रो यंगर इस पुस्तिका को लिखा है. इनकी इस पुस्तक के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे साथ में एक बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट हैं, ये एक ऑथर भी हैं, इनका नाम मिसिस जमिनी धर है. मैं और जमिनी धर, हम दोनों मिसिस माला मनसुखानी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे कि इनकी इस किताब के बारे में और इनके बारे में हमें और गहरी जानकारी मिलेगी. तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा जमिनी धर जी से. जमिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते रंजीत, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ जमिनी जी, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया. तो जमिनी जी, आज हमारे साथ में जो ऑथर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें प्लीज इनवाइट करें. माला जी, आपका मैड विद बुक्स में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते. नमस्कार. नमस्ते रंजीत जी. नमस्ते जमिनी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे माला जी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, थैंक यू. तो माला जी, मैं आपका मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. थैंक यू. मैं माला जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें. मेरा नाम माला मनसुखानी है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे 2 दामाद हैं और 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और मेरा काम फैशन और फिटनेस है. तो माला जी, आपने ये जो पुस्तक लिखी है ग्रो यंगर, आई एम राइट? या. आपने जो पुस्तक लिखी है ग्रो यंगर, ये बुक लिखने के पीछे आपका क्या मकसद था, किस पर्पस से आपने ये बुक लिखी? बिकॉज़ मैं मेरी मम्मी के साथ उनके जो लास्ट 7-8 इयर्स थे लाइफ के, वो काफी डेलिकेट थे, और मैं देखती थी कि ऐसे टाइम में जब हमारे माँ बाप एकदम बुजुर्ग जो होते हैं, जब उनको हेल्थ इश्यूज आती है, तो उन पे क्या बीतती है और कैसे इनके इमोशंस रहते हैं, और वो इमोशंस दिमाग पे और शरीर पे कैसे काम करते हैं, तो ये मैं बहुत करीब से महसूस कर रही थी. तो इसमें जमीनी जी जी किसी एक चीज को महसूस किया, माला जी ने किसी एक चीज को महसूस किया, तो इस बुक को लिखने के पीछे इनका पर्पस मुझे समझ नहीं आया, आप बताएंगे? तो रंजीत जी, माला जी से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो हर एक बेटी को या बेटे को वो समझाना चाहती है कि जो अपने माँ बाप के कुछ लास्ट पल होते, कुछ लास्ट टाइम होता है, जहाँ उनकी सेहत ठीक नहीं होती, जहाँ उनको अपना सहारा चाहिए, हमारा टाइम चाहिए, हमारा अटेंशन चाहिए, उस टाइम पे हमारे माँ बाप को हम क्या उपयोगी बन सकते, क्या हम कर सकते हैं. और माला जी की जर्नी मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर चुकी हूँ, मुझे बहुत, मैं अच्छे से जानती हूँ उनको. मुझे लगता है एक जो सहानुभूति होती है और एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ओल्ड एज की, वो इनसे अच्छा किसी के पास नहीं देखी मैंने. तो माला जी, आप ये मैसेज देना चाहती हैं इस बुक के द्वारा कि हर किसी को जो है वो ओल्ड एज में जो आते हैं उनका केयर करना चाहिए, इस तरह का कुछ मैसेज देना चाहती हैं?
जी हाँ, मेन मैसेज तो ये है कि आप अपने माँ बाप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, उनसे बात करिए, बिकॉज हमको पता है सब हम बिजी रहते हैं अपने काम में, भाग दौड़ में। सबको अपने माँ बाप प्यारे हैं, लेकिन हम ये फिर भी भूल जाते हैं भाग दौड़ में कि उनको भी कोई चाहिए कि वो अपनी बात हमारे सामने रखे और हम उनको अच्छी तरह से सुने। हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं है, एंड इन लोग को बहुत अच्छा लगता है जब इनको कोई सुनता है ध्यान से। तो माला जी, ये जो टॉपिक पे आपने बुक लिखी है, ये बुक लिखने के लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि ये मैसेज आपको लोगों को देना है? जो माँ के इमोशंस होते हैं, यू नो, जब सब बच्चे कोई ना कोई कहीं हो जाता है तो वो इंतजार करती रहती है कि मेरे को इस बेटे ने फोन नहीं किया, इस बेटी ने नहीं किया, और वो जो इमोशन लेवल है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती थी। प्लस जब हमारे कोई रिश्तेदार, यू नो, फोन नहीं आता था या मम्मी थोड़ी सी अपसेट रहती थी, हालांकि आई वॉज विथ हर ऑल द टाइम, फिर मैं अपने किसी आंटी को फोन करती थी, आंटी आज मम्मी का थोड़ा मूड है ना, लो है, आप प्लीज कॉल करके बात करिए ना। या फिर मेरी सिस्टर को लंदन में फोन करती थी, क्योंकि तो मेरी सिस्टर को भी थोड़े अपने बच्चों के हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम है, इज वेरी यंग बट उसको यू नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो वो सारा टाइम डायलिसिस और उस पर बिजी रहती है। तो आई यूज टू टेल हर प्लीज आप है ना मम्मी को आज कैसे भी फोन करना। तो जैसे ही उसका फोन आता था तो मम्मी के थोड़े, जैसे कहते हैं ना, बैटरी चार्ज हो जाती थी। जमीनी जी, जी जहां तक मेरे को समझ में आया है कि इन्होंने अपने घर पे ऐसी परिस्थिति देखी है जहां पे उनकी माताजी को ऐसा लगता था कि मुझे जो है मेरे जो बच्चे हैं या कोई भी मुझसे बात करे, और क्या यही चीज है जिसके वजह से इन्होंने ये बुक लिखी? माला की जो फिलॉसफी है और उसकी जो लर्निंग है सारी प्रॉपर टेक्निकल बेस्ड है, मतलब उन्होंने बहुत सारी स्टडीज और सर्टिफिकेशंस किए हैं जिससे उनको ये यू नो ये इंसाइट्स मिलती है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, अपने आप को बैलेंस करनी चाहिए बुढ़ापे के लिए या ओल्ड एज के लिए, टू मेक इट टू फील यंगर। आई थिंक माला, एम आई राइट? या, एंड दिस इज ना कि खाली मेरी मम्मी के लिए, जब मैं अपने मम्मी की देखभाल करती थी तो मैं तभी एक ग्रुप चलाती थी ग्रो यंग, जहां मुझे हमेशा बहुत शौक था कि मैं अपने माँ के लिए बहुत कुछ करूं। तो जब मैंने ये सब देखा, बिकॉज बड़ी कठिनाइयों से हमारे माँ ने हमें ब्रॉट अप किया हुआ है, सो आई जस्ट डेडिकेट माई लाइफ टू माई मॉम। वैसे ही आई यूज टू सी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। तब मुझे पता चला कि जब मैं किसी से बात करती हूँ या उनको टाइम देती हूँ, उनको समझती हूँ उनके प्रॉब्लम्स, तो दे आर सो हैप्पी एंड लाइवली, और उनमें एक अलग किस्म की एनर्जी और कॉन्फिडेंस आ जाता है। माला जी, आपने ये जो बुक लिखी है इसमें जो बातें हैं, जो आपने बातें लिखी हैं, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर आपने इसको रिसर्च किया है, स्टडी करके फिर इस बुक में उतारा है? देखो, मैंने ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया। मेरी रिसर्च क्या है कि मैंने प्रैक्टिकल बहुत लोगों से काम किया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो 45 इयर्स ओल्ड लेडी थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, उसको पोलियो था, वो सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे पैर ऐसे हैं, तो उसको एक कॉम्प्लेक्स था। दूसरी दो तीन लेडीज ऐसी थी जिनको ब्रेन ट्यूमर था, कैंसर था, एक डिप्रेशन था, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस है। जब मैं उनके साथ बात करती थी, आई सॉ ट्रेमेंडस शिफ्ट इन देम। तो मुझे लगा दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज मैंने एक दो के साथ काम नहीं किया, काफी लोगों के साथ। लाइक मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको दूंगी, कैंसर प्लेस है जहां लास्ट स्टेज पे लोग होते हैं, एंड उनको पता है कि वो लोग ज्यादा जिएंगे नहीं, तो मैं उनके पास जाके सिर्फ एक उनका हाथ अपने ऊपर रखती थी और उनके आंखों में से आंसू आते थे, कहते थे कि मेरे तीन तीन बच्चे हैं, इंडस्ट्रियल हैं,
लेकिन उनके पास टाइम नहीं है मेरे पास आने के लिए. एंड व्हेन आई वाज देयर विद हर वो इतनी खुश हुई. सो आई वाज जस्ट होल्डिंग हर हैंड एंड आई डिडंट फील लाइक लीविंग इट. तो ये क्या हो सकता है यू नो माला जी, आप जो चीजें मुझे बता रही हैं, एक तो है आप ग्रो यंगर और दूसरी तरीके से आप बता रही हैं कि मतलब कोई प्रॉब्लम में है, किसी की मन स्थिति कुछ है क्योंकि वो तकलीफ में है या ज्यादा एज में है. तो ये आपका टॉपिक इससे लिंक कैसे होता है? अब मेरे पास ग्रो यंगर में औरतें हैं जो 50 की है और बहुत सारी औरतें जो है 70-80 साल की है, जिन्होंने कंप्लीटली रिटायर किया हुआ है, मोटापा है, तो उन लोग कोई एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं. आई हैव गॉट इवन कैंसर पेशेंट्स. तो जब मैं उनको एक्टिविटी कराती हूँ, लाइक आई हैड अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, आई हैड अ लेडी हु हैड गॉट ब्रेन ट्यूमर एंड वो एकदम बेबी स्टेप्स लेती थी. उनको मैंने 3 months ट्रेनिंग दी ऑफ फिटनेस, लाइट ट्रेनिंग्स यू नो लाइक व्हेन दे कैन. और 3 महीने के बाद 1 महीना मैंने डांस प्रैक्टिस दिया. और ऐसे सारे लोग थे जिनको ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, व्हीलचेयर है, पोलियो है, उनको मैंने स्टेज पे ला के डांस कराया. तो जो लेडी थी जिसको ब्रेन ट्यूमर था, उसने कहा मैं स्टेज पे खाली खड़ी रहूंगी बिफोर द प्रोग्राम. कुछ दिन के बाद बोली मुझे चेयर दे दो, मैं बैठ जाऊंगी. कुछ दिन के बाद बोली अच्छा यू नो व्हाट, चेयर निकाल दो, मैं डांस करूंगी. सो शी स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस. और मेरे पास इन सबका वीडियोस है. उनको खुद इतनी जो एनर्जी मिलती है, दैट आई कुड फिगर इट आउट कि ये एनर्जी, दिस इज ओनली प्योरली वर्कआउट, मन की स्थिति, मेडिटेशन, टॉकिंग थेरेपी विद देम, एंड आई हैव द स्टार्ट टू कॉल स्पीक अप. मैं उनके मन की स्थिति जानना चाहती हूँ. तो जब आप उनको समझ सकते हो अच्छी तरह से, दिस इज व्हाट दे फील हैप्पी. जमीनी जी, जी. माला जी ने जो बात बोली आप उसको थोड़ा समराइज कीजिए कि कैसे ये जो एक्टिविटीज हो रही है और ग्रो यंगर जो माला जी ने बताया उसको आप थोड़ा समराइज कीजिए कि कैसे ये दोनों लिंक करते हैं. जो भी हमारे बुजुर्ग है जिन्होंने लाइफ में गिव अप कर दिया या कोई तकलीफें आई है, उनको ये वापस से यंग बनाना सिखाती है और यंग करती है अपने एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स और अपने जो भी वो यूज करती है अपने सीनियर्स के साथ में. तो इनका लगाव अपनी माँ से था और वो अपने माँ जैसे हर एक सीनियर को यूथ देना चाहती है. जो हम नॉर्मली बुढ़ापे में लोगों को बोलते हैं कि काम मत करो, आराम करो, अभी आपका रिटायरमेंट हो गया, आप रहने दो, ये बोलती है आप रहने मत दो, आप शुरुआत करो. तो ये कंप्लीटली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को यंग बना रहे हो थ्रू फिटनेस. माला जी, आपने जो बातें अपनी बुक में लिखी है वो सारी बातों को आप कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रही हैं, उसका एक एग्जांपल दीजिए. देखो मैं वो ही सिखाती हूँ जो मैं खुद करती हूँ. सो मैं 60+ हूँ और मैं अभी तक मैराथन रन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, वेट लिफ्टिंग करती हूँ, योगा करती हूँ. बिकॉज एक्चुअली वेरी लॉन्ग टाइम बैक, अगर मैं अपनी मम्मी की भी बात फिलहाल साइड पे छोड़ के मैं अपने यंग डेज की बात करूं, तो देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज इन 30s एंड 40s, मैं खुद डिप्रेशन में गई थी. एंड द ओनली टाइम आई कुड कम आउट ऑफ माय डिप्रेशन बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉक्स. वॉक के साथ फिर मैंने जिम शुरू किया. फिर जब मैं जिम जाती थी तो मुझे एक अलग किस्म की खुशी मिलती थी. तब उन दिनों में ऐसे था कि अब तुमने शादी की, बच्चे हैं, अब जिम क्यों जा रही हो, किसको दिखाना तुम्हें तुम्हारी बॉडी. इट इज नॉट अबाउट शोइंग योर बॉडी, इट्स द मेंटल स्टेट. जब आप करते हो आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, यू फील गुड, यू फील हैप्पी. तब से मैंने ये बात समझी और जब मेरे मम्मी को देखा तो इट इज इंटरकनेक्टेड. यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हियर. इफ आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कुछ भी करने के लिए, तो शरीर आपका 50 का हो, 80 का हो या 100 का हो, यू विल बी द सेम बिकॉज योर मेंटालिटी इज यंग. जमीन मैडम, माला जी की बातों को सुनकर क्या आपको ऐसा फील होता है कि इनकी ये जो बुक है कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करती है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि उनकी बुक सबसे ज्यादा, एक तो पहले तो नजरिया बदलती है कि बुढ़ापा
शरीर का नहीं होता है, मेंटल होता है। लोगों को मालूम तो यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिलता है, फिर भी लोग बैठ के देखते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन माला का ये है कि जब उनको आप एक्सरसाइज करते देखो, जब आपको उनको जिंदा दिली से खुशी से जिंदगी जीते देखो, तो आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा बनना है। तो वो वाकई में एक इंस्पिरेशन है उनकी एज पे, मुझे लगता है जो जीता जागता ये है, सबूत है कि भाई ये करना चाहिए हमको। सो इट इज बोथ माइंडसेट एंड फिजिकल बोथ। तो माला जी, आपकी इस बुक को पढ़कर कोई आपका कोई व्यक्ति आपकी इस बुक को पढ़ता है तो क्या फायदा लेके जाएगा वो इस बुक को पढ़ के, क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा उस बुक को पढ़ के? देखो, हमें हमेशा एक चीज का फियर रहता है, अकेलेपन का, और हमारा शरीर हमारे साथ साथ देगा या नहीं, हमारे साथ कौन रहेगा आखिरी तक। बिकॉज ये सारी चीजें जो तीन बातें मैं बता रही हूँ वो हर एक सीनियर के दिमाग में है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप में इतना डाउट रखते हैं, और मैं ये सारे डाउट ऐसे क्लियर करती हूँ कि अगर आप फिट हैं, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है आप अकेले, व्हाई यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, मेरी मम्मी को बहुत सारी बीमारियां लास्ट, हमेशा ऐसे ही होता है, इट इज इंटरकनेक्टेड, आपको एक के बाद एक होता है, एंड देन तो मेरी मम्मी जब एक्सट्रीमली ऑन हर लास्ट स्टेज थी, तभी भी मैंने मम्मी को कभी भी मायूस नहीं होने दिया। व्हील चेयर पे भी मम्मी को लेके मैं म्यूजिक चलाती थी, मम्मी को बोलती थी डांस करो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग योर बॉडी, इट्स अबाउट मूविंग योर ब्रेन सेल्स कि यू लिव इन अ हैप्पी एनवायरमेंट। मम्मी को बोलती थी मम्मा आपने वो रेसिपी जो बनाई थी मेरे को भूल गई है, आप जैसी चीजें मैं बना ही नहीं सकती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। लाइक मम्मी 4-5 टाइम आईसीयू में जाके आई थी, एंड एवरी टाइम वी न्यू दैट शी इज नॉट कमिंग बैक। व्हील चेयर पे रह के मम्मी ने वो रेसिपी अपने दामाद के लिए बनाई थी, मेरे दामाद के लिए, बिकॉज शी लव्ड हिम। तो ये क्या होता है, जब आप किसको प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे आग लग रही है और छोटा बच्चा है या कोई भी है जिनको आप प्यार करते हो, आप जाके पकड़ लोगे, आपका रिएक्शन यही होगा कि कुछ भी हो जाए मुझे, मैं उसको जाके बचाऊं। तो व्हाट इज दिस, ये इनर स्ट्रेंथ जो है ना आपकी, वो मैं आपको रियलाइज कराना चाहती हूँ कि यू हैव इट, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो जमीनी जी, आपको क्या समझ में आता है माला जी ने जो बताया? उन्होंने बताया कि ये दो डर होते हैं ये इस बुक को पढ़ने से खत्म हो जाएंगे। माला जी प्लीज ऐड करना जमीनी जी ने अगर कुछ आगे पीछे कर दिया तो। और मुझे लगता है कि जो फियर होता है कि बुढ़ापे में क्या मैं चल फिर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, तो आधा तो हमने दिमाग में ही चीजें पाली है। जो माला बोलती है कि खुश रहने से, अगर आप उस कंडीशन में भी हो तो भी आपको उतना दुख या दर्द नहीं होगा, तो वो इजी कर देती है या वो स्मूदन आउट कर देती है। वो कैसे करना है वो उनसे ज्यादा कौन अच्छा सिखा सकता है। माला जी परफेक्ट है। या आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ माइंड, वंस आपको ये समझ आ गया तो यू कैन विन एनी बैटल। परफेक्ट। सो माला जी, जहां तक अब तक आपसे बात करके मुझे ये समझ में आ रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बुक जो है करीबन जो कि अपने आप में फील कर रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसी सोच के लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है ये बुक है ना हर एज ग्रुप के लिए है। अगर आप 20 साल के हो तो यू शुड रीड, ताकि यू नो व्हेन यू बिकम ओल्ड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दिस विल हेल्प यू। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कैसे कुछ कर सकते हो एंड बी अ गुड सपोर्ट, दिस विल हेल्प यू। इट्स फॉर every person, it's not just for old age people, because aapka jo living style hai, agar aap jitna jaldi isko shuruaat kare and make your habit as a lifestyle, ki aapko thoda sa meditation karna chahiye। hamare india mein ek cheez hai ki dekho, hamare paas sab facilities hai, naukar hai, drivers hai, cooks hai, तो हम क्या करते हैं, पानी का ग्लास भी बोलते हैं पानी लेके आओ। मैं बोलती हूँ जितना हो सकता है अपने शरीर को आप यूज करिए, डोंट ट्राई टू बी डिपेंडेंट,
तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच बिकॉज दिस विल ओनली हेल्प यू. करेक्ट करेक्ट. तो जमीनी जी, अभी माला मैडम ने बोला कि एक 20 साल के लड़के को भी ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो माला जी आप कैसे मोटिवेट करेंगी ये 20 साल के लड़के को, या फिर 30 साल के या 40 साल के भी इंसान को जिसका ध्यान अब तक वो सब चीजों में गया ही नहीं है, वो अपने आप को फिट हेल्दी फील कर रहा है, वो अपने दूसरे 100 कामों में व्यस्त है, इंजॉय कर रहा है, आप कैसे उसे मोटिवेट करेंगी? हालांकि उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए. हाउ विल यू मोटिवेट दिस पर्सन टू रीड दिस बुक? See, let me tell you one thing. My daughter, she's very young. She's a lawyer. She's a Nike runner, pacer. तो कई बार ऐसे भी होता है कि मैं 5 बजे उठ के चली जाती हूँ. Then she says, Mama, you really inspire me. कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, आज जाने दो. But तुम 5 बजे उठती हो. I really love about this. I make a habit to meditate. आप कुछ भी करिए, अगर आपको जो लाइफस्टाइल बनाना है आप वो लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए ताकि आपके बच्चे वो फॉलो करें. हम किसी को सिखा नहीं सकते कि आप ये करो वो करो. यू कैन ओनली मोटिवेट बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड योर किड्स एंड यू नो फर्दर पीपल विल स्टार्ट डूइंग सेम थिंग्स. तो रंजीत जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मुझे सबसे पहला इंस्टाग्राम पे माला जी का एक भागता हुआ वीडियो दिखता है, या वो कुछ कर रही है जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ. तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों को ये बताने के कि मैं ऐसी हूँ, क्या आप ऐसा बनना चाहोगे. मैं जानती हूँ 21 साल, 24 साल, 25 साल के लोग जो माला जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं. तो आजकल जो ये है ना, वॉक योर टॉक, जो आप करेंगे वो दुनिया आपको देख के फॉलो करेगी. तो आपको किसी को उंगली दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम ये करो. तो माला जी, आपकी ये जो बुक है, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं, कुछ बातें जो कि दूसरी जगह पे बहुत बहुत कम जगहों पर ऐसी ये बातें मिलेंगी, लिखी होंगी या किसी ने लिखी है या इस पे वीडियो बनाया है? व्हाट डू यू थिंक? देखो, मैं बहुत सारे बुक्स तो मैंने पढ़ी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर एक चीज का, बिकॉज एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ. अगर मैंने मिठाई बनाई है और मैं आपको बोलूँ मैंने ये मिठाई बनाई है, वाओ कितनी टेस्टी है, आप बोलोगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, यू हैव टू कम एंड ट्राई दैट, एंड देन यू विल से इट इज अमेजिंग. सो ये सारी चीजें व्हेन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, यू कम टू नो कि इसका बेनिफिट क्या है. हमने हमेशा देखो, मैं जब मेडिटेट करती थी, जब इवन आई हैड माय प्रॉब्लम्स इन लाइफ, एक सबको होते हैं, तो एक दिन मेडिटेट करते करते मुझे लगा, व्हाट इज दैट आई हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर, मेरा मकसद क्या है. फिर जब ये वर्ड आया, मेरा मकसद क्या है, तो मैं उस पर गौर करने लगी. एंड व्हेन यू पे अटेंशन, तभी आपकी प्रोग्रेस होती है. यू कम टू नो इट्स जस्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ दैट यू कम टू नो, दैट इज व्हेन यू सिट, गिव टाइम टू योरसेल्फ. और मेरे क्लासेस में मैं मी टाइम बहुत एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि तो हम सारा टाइम भाग दौड़ है. किसी से भी पूछो, अरे आप क्यों नहीं आए, अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ. बिजी विथ व्हाट? नथिंग. जिनके पास काम नहीं है तो भी बिजी है. तो गिव मी टाइम, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ. यू विल फाइंड ब्यूटिफुल थिंग्स विद इन योरसेल्फ. यू विल डिस्कवर योरसेल्फ एज अ गुड फ्रेंड विद इन यू, एंड आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. बालाजी, अगर आपको आपकी बुक के बारे में 2 लाइन में इसको समराइज करना है, आपकी बुक को, तो आप क्या बोलेंगी? मैं कहूंगी, ग्रो यंगर इज नॉट अबाउट लुकिंग यंग, इट्स अबाउट फीलिंग यंग, डूइंग थिंग्स इन अ यंग वे. जैसे मेरे पास एक लेडी थी 80 इयर्स की, उसको मैंने रैंप वॉक कराया फॉर हर कॉज, यू नो. तो एक पर्पस होता है, तो आपको लगता है यू कैन डू एनीथिंग. हम लोग है ना ज्यादा करके क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ. तो मुझे लगता है आप अपनी थिंकिंग बदलो, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा. तो जमीनी जी, क्या ये बुक सोच, हमारी सोच को बदल देगी अबाउट लाइफ? थोड़ा सा ब्रॉडली इसको
देखूं तो मुझे लगता है कि ये बुक इंस्पायर मतलब आपको मजबूर कर देगी सोचने पे कि जो मैं आज कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो कल मुझे साथ देगा हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, मुझे एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए क्या वो मुझे हेल्प करेगा। अगर नहीं तो क्या मैं ये बुक में से ये कुछ चीजें रोज अप्लाई करके वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो ये बुक एक जरिया है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए टू बिकमिंग अ वेरी वेरी हेल्दी सीनियर एंड अ हैप्पी सीनियर, जिसको माला जी ग्रो यंगर बोलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी बुक कितनी बड़ी है? It's about 186 pages. Okay. And उसमें 6 chapters हैं. And it is written in a very beautiful, simple language कि कोई भी पढ़ सकता है. And you can read chapter by chapter, you know. So it's very simple. कौन से language में माला जी आपने ये book को release किया है? मैंने इसको English में लिखा है. ये जो book है English में लिखा है. लेकिन अभी कुछ पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, आई एम फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी, तो उन लोग ने सिंधी में भी ये ट्रांसलेट करने को बुक वो किया है। सो फिलहाल तो ये इंग्लिश में ही है एंड सिंधी में भी निकलने वाला है ये बुक। ओके, तो हिंदी में भी रिलीज करने का आपके कुछ प्लानिंग है? बिकॉज हिंदी में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। जरूर करूंगी मैं, डेफिनेटली। तो आपको सिंधी बुक लिखने के लिए आपको प्रस्ताव आया, हिंदी बुक लिखने के लिए प्रस्ताव नहीं आया कहीं से? मुझे किसी ने बोला कि दे वुड डू इट फॉर मी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई कांट रीड सिंधी एंड आई कांट रीड इवन हिंदी, तो इफ दे ट्रांसलेट एंड राइट आई डोंट माइंड, यू नो, बिकॉज़ ये बुक वाकई में बहुत लोगों को हेल्प करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किस प्राइस में, अगर किसी को ये बुक खरीदनी है तो किस प्राइस में ले सकते हैं? ये बुक है ना 350 की है, और जब भी ये Amazon, Flipkart पे कोई भी लेता है तो ये सारे जो फंड्स हैं मैं अपने ग्रो यंगर में यूज करती हूँ, और जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं मैं वहां जाती हूँ तो पूरा मैं उनके ऊपर यूज करती हूँ, और वैसे ही यू नो आई लाइक टू डू थिंग्स फॉर देम, तो मेरा ये कंटिन्यू रहता है, बट एवरी सिंगल पेनी दैट कम्स फ्रॉम द बुक इज गोइंग टू ग्रो यंगर कॉज। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुन के कि ये जो अपनी बुक की जो इनकम है वो सीनियर्स के लिए हेल्प करती है, बहुत सारे अच्छे कॉजेस करती है, और ये एक एडिशनल मुझे पता चला है, तो कांग्रेचुलेशंस माला जी, ये बहुत थैंक यू जेमनी, थैंक यू। वाकई में बहुत बहुत अच्छी चीज है माला जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू, मेरा मिशन यही है कि मैं खुशियां बांटूं, सबके चेहरे पे स्माइल जरूर आए, फिर वो चाहे यंग हो या बूढ़ा हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम स्पेशली कोविड में अभी ये भूल चुके हैं, हमें इतना खौफ है, तो मैं चाहती हूँ जिंदगी एकदम खुल के जियो। बहुत बढ़िया। तो माला जी, आप मैंने बहुत सारे ऑथर से बात किया उनकी इस बुक के बारे में, तो हर बहुत सारे ऑथर जब कोई बुक खरीदता है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा देने की भी कोशिश करते हैं कि भाई हम आपको एक सेशन फ्री दे देंगे, या फिर हम आपको फ्री में हमारे ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके इसमें भी है कोई बुक खरीदता है तो? कैसे वो आपके टच में रह जाएगा? देखो, मैं वैसे ही एक सोशल वर्कर हूँ, मैं सब क्लासेस जितने भी चला रही हूँ वो फ्री चला रही हूँ, मैंने किसी आज तक पैसे नहीं लिए हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी फिट इंडिया, फिट मदर्स, फिट फादर्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी बुढ़ापा हॉस्पिटल में रोके या फियर से या डर से जाए, यू नो, जिंदगी मुझे पता है इट्स वेरी ब्यूटिफुल, सब जो भी आए उनको जाना है, लेकिन आई वॉन्ट देम टू गो विद अ स्टाइल, खुल के जियो जिंदगी, जो होना देखा जाएगा, बट आप जीते जी मरो मत, खुशी से जाओ, यू नो, लिव टू द फुलेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माला जी, एंड में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस बुक से रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, ये हम सबका मिशन है। हम चाहते हैं कि हम और कुछ नहीं तो अपने घर वालों को पहले खुश रखें, टाइम दें, एंड फिर व्हेन यू कीप योर, बिकॉज दे से नो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप पहले हैप्पीनेस अपने घर में दो, फिर ट्राई टू स्प्रेड कम्युनिटी में,
एंड देन टुवर्ड्स द वर्ल्ड. सो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जमिनी जी, जी अंत में ये माला जी ने जो हमें बातें बताई हैं, इनको कैसे समराइज करेंगी आप? मैं तो ये बोलूंगी कि तो ये एक रोशनी है, एक किरण है जो एक ग्रैंड मदर ने आपको दिए. तो क्या आप ऐसे दादा दादी नाना नानी बनना चाहते हो जिनके बच्चे उनसे इंस्पिरेशन ले और जिनके बच्चे खुद उनसे सीखे? बिकॉज जब हम खुद फिट बनते तो हमारा फैमिली हमको देख के फिट बनता है. जैसे उनकी बेटी उनसे इंस्पायर होती, मैं इनसे इंस्पायर होती हूँ. तो मुझे लगता है कि ऐसे सीनियर्स तो हर घर में होने चाहिए. बहुत बढ़िया, ग्रेट. तो माला मैडम, आपने आपने ये जो बुक लिखी है और आपकी जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारी सोसाइटी के लिए. डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आपकी बुक मोटिवेट करेगी, बहुत सारे लोगों की आंखें खोलेगी. और आपके इस बड़े काम के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है. और थैंक यू. और मुझे पूरी आशा है कि हमारे व्यूवर्स को ये एपिसोड जो है मोटिवेट करेगा आपकी बुक खरीदने के लिए, और बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके मिशन का हिस्सा बनेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आपने अपना समय निकाला और आपके बारे में हमें जानकारी दी. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बोथ ऑफ यू. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.